आज हम लोग असाइनमेंट डिस्कशन क्लास में है। आज हम लोग क्लास 4 का एसएसटी चैप्टर नंबर ए कोस्टल प्लेन एंड आइसलैंड का जो असाइनमेंट आप लोगों को दिया गया था उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अपना आंसर द फॉलोइंग सेक्शन में। जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच रीजन ऑफ इंडिया इज रेफर्ड टू एज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी कि भारत के किस क्षेत्र को ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के रूप में चिन्हित किया गया है। तो इसका आंसर आप देखें, द विड्थ स्ट्रेच ऑफ लैंड बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल इज रेफर्ड टू एज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी कि एक चौड़ा भूभाग, ठीक है, और समतल ऐसा भूखंड जो कि ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच अवस्थित है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के रूप में चिन्हित किए हुए हैं, जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू देखिए, क्वेश्चन नंबर टू है हम लोग का नेम द थ्री रीजन्स ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का तीन किसी तीन रीजन का मेन रीजन का नाम मेंशन करना है, द कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट एंड द गल्फ ऑफ खंभात आर थ्री मेजर रीजन ऑफ दिस प्लेन्स, यानी कि इस ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसका ये तीन मुख्य क्षेत्र है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट लैंग्वेज स्पोकन इन गुजरात, यानी कि गुजरात का जो मेन लैंग्वेज है स्पोकन लैंग्वेज वो क्या है। तो गुजराती, कुची एंड हिंदी आर मेन लैंग्वेज ऑफ लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका मतलब होता है बोलचाल की जो सामान्य भाषाएं होती है जन सामान्य की, उसे हम लोग लिंगुआ फ्रैंका। तो गुजराती, कच्छ और हिंदी जो है वहां का तीन मुख्य भाषा है जो बोलचाल में प्रयुक्त होता है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, वेयर इज सेलुलर जेल लोकेटेड, व्हाई इज इट फेमस, यानी कि सेलुलर जेल कहाँ पे अवस्थित है और यह किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सेलुलर जेल को हम लोग क्यों जानते हैं, वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो सेलुलर जेल इज सिचुएटेड इन पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर एक कैपिटल सिटी है किसका, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड का, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड का। तो अंडमान एंड निकोबार जो है वो पोर्ट ब्लेयर उसका कैपिटल सिटी, वहां पे ये सेलुलर जेल अवस्थित है। साथ ही साथ इट इज फेमस फॉर मेनी फ्रीडम फाइटर, या अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों के से जुड़ा हुआ है इसका संबंध रहा, इसलिए यह काफी प्रसिद्ध रहा। व्हेन ब्रिटिश रूल्ड इंडिया दे वेयर कीप्ड इन दिस जेल एज ए प्रिजनर, यानी कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन था उन दिनों जो फ्रीडम फाइटर्स होते थे वे सभी इस जेल में एक कैदी के रूप में रखे जाते थे, यानी जिन्हें भी काला पानी का सजा होता था उन्हें इसी जेल में रखा जाता था। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए आप, वेयर इज लक्षद्वीप लोकेटेड, व्हाट इज इट फेमस फॉर, यानी कि लक्षद्वीप कहाँ पे अवस्थित है और ये किस लिए फेमस है। तो लक्षद्वीप इज लोकेटेड इन द अरबियन सी, यानी कि लक्षद्वीप जो है वो अरबियन सी में अवस्थित है। इट इज फेमस फॉर फिशिंग एंड वाटर स्पोर्ट्स, ये जो है वाटर स्पोर्ट्स और फिशिंग के लिए फेमस है, यानी कि यहाँ ये पूरा एक आइसलैंड ग्रुप है, तो आइसलैंड होने के कारण यहाँ पे वाटर स्पोर्ट की संभावना काफी समृद्ध है, और साथ ही साथ यहाँ फिशिंग भी बड़े पैमाने पर होता है, और इसी यहाँ का एक फिशिंग इंडस्ट्री भी है जो वहाँ के रेवेन्यू का मुख्य स्रोत है। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर और फोर के बाद मैंने सिक्स आपको बताया, ठीक है, फाइव यहाँ पे नहीं है। तो आप फाइव नंबर क्वेश्चन जो है आपका क्या है, फाइव नंबर क्वेश्चन में राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन गुजरात, यानी कि गुजरात के जो लोग हैं उनका मुख्य ऑक्यूपेशन क्या है उसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है, क्वेश्चन नंबर फाइव। तो ये फाइव नंबर क्वेश्चन जो है ये मैंने यहाँ नहीं लिखा, शॉर्ट नोट है, थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग शॉर्ट नोट को खुद से लिख लेंगे। मैं बुक में आपको बता दे रहा हूँ, पेज नंबर आपका 62 फाइव का आंसर, ठीक है, पेज नंबर 62, पेज नंबर 62 पे आपको टॉप में ही मिल जाएगा ऑक्यूपेशन। ठीक है, यहां से ऑक्यूपेशन सेक्शन से जाकर के आप पूरा नोट कर लेंगे, ये पूरा पैराग्राफ ही नोट कर लेंगे, ये आपका शॉर्ट नोट हो जाएगा इनफ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, तो इसलिए फाइव नंबर क्वेश्चन को आप लोग खुद से कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेवन है, क्वेश्चन नंबर सेवन में है मेंशन एनी थ्री पिलग्रिम सेंटर्स इन केरला, यानी केरल का जो तीन मुख्य पिलग्रिम सेंटर है उसको मेंशन करना है। तो फर्स्ट है आपका सबरीमाला टेम्पल, सेकेंड पद्मनाभ स्वामी टेम्पल एंड थर्ड
ग्रुप बायूर टेम्पल आर द मेन पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ केरला, यानी कि ये सब ऐसे सेंटर है जो केरला में अवस्थित है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ बहुत सारे पर्यटक भी आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, नेम टू रिवर्स दैट फ्लो इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट, यानी कि आपको दो दो नदियों के नाम लिखने हैं जो ईस्टर्न कोस्ट में बहती है और जो वेस्टर्न कोस्ट में बहती है। तो ऐसे नदियों को देखिए, इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी कि ईस्टर्न कोस्ट का ये दो नदियां हैं, महानदी एंड गोदावरी, उसके बाद वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का ये नर्मदा एंड ताप्ती। तो ये दो नदी महानदा एंड गोदावरी ईस्टर्न में हो गया और नर्मदा और ताप्ती वेस्टर्न का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर नाइन जो है आपका, उसमें आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है उड़ीसा के ऑक्यूपेशन पे। तो फिर यहाँ शॉर्ट नोट बहुत बड़ा हो जाता है, तो मैंने ऑक्यूपेशन पे आपको उड़ीसा का जो ऑक्यूपेशन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, पेज नंबर आप वहां से कंसल्ट करके और लिख लेंगे। देखिए पेज नंबर 60 है, पेज नंबर 60 से उड़ीसा सेक्शन में आप जा करके और यहाँ पे ऑक्यूपेशन दिया हुआ है, ये द वेस्टर्न से लेकर के और पोर्ट्स तक, यहाँ से यहाँ तक आप देखिए ऑक्यूपेशन का पैराग्राफ लिख लेंगे, ये आपका शॉर्ट नोट कंप्लीट हो गया। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, व्हाट आर द डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पोकन इन केरला, यानी कि केरला में जो भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती है वो कौन कौन सी है। तो केरल का जो मुख्य स्थानीय भाषा है वो मलयालम है, उसके साथ ही साथ हिंदी एंड इंग्लिश आर स्पोकन इन केरला, यानी कि हिंदी और इंग्लिश भी यहाँ पे बड़े पैमाने पर बोला जाता है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग का जो पूरा असाइनमेंट था क्लास 4 SST का चैप्टर नंबर 8 और असाइनमेंट नंबर भी एक था कोस्टल प्लेन आइसलैंड, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बुक का जो एक्सरसाइज है उसका एक डिस्कशन देखते हैं। देखिए अब हम लोग बुक एक्सरसाइज डिस्कशन पे आते हैं, चैप्टर नंबर 8 ही है, इसमें बुक एक्सरसाइज है, आपका पेज नंबर है 66, आप यहाँ से देख सकते हैं पेज नंबर 66-67। इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया है, मल्टीपल चॉइस है, ट्रू एंड फॉल्स है, सारा का यहाँ पे आपको आंसर डिस्कस करके बताया जाएगा। देखिए सबसे फर्स्ट है आपका चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि एक सही आंसर को चुनना है और उस ब्लैंक स्पेस में फिलअप करना है। तो आपका फर्स्ट है देखिए डैश इज फर्स्ट का आंसर है आपका डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, तो इसमें इसका आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा। इसी तरह से ये सब दो दो ऑप्शन दिया गया, उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पे लिख दिया गया। सेकंड देखिए सेकंड का भी लक्षद्वीप हो जाएगा, थर्ड भुवनेश्वर हो जाएगा, फोर्थ चिल्का हो जाएगा, फिफ्थ पटचित्र, सिक्स हाइवर, सेवन दमन एंड एट साबरमती। तो इस तरह से ये पूरा चूज द करेक्ट आंसर का कंप्लीट आंसर है, ठीक है। अब आइए आपका नेक्स्ट सेक्शन है राइट टी फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स वन, यानी कि ट्रू के लिए ट्रू लिखना है और फॉल्स के लिए एफ लिखना है, ट्रू के लिए टी और फॉल्स के लिए एफ। इसमें आप देख सकते हैं आपका फर्स्ट का आंसर फॉल्स, सेकेंड ट्रू, थर्ड ट्रू, फोर्थ फॉल्स, फिफ्थ ट्रू, सिक्स फॉल्स, सेवन फॉल्स, एट ट्रू। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। फिर मैच द फॉलोइंग सेक्शन है आपका, मैच द फॉलोइंग में जो करेक्ट सुटेबल आंसर है वो उसके सामने सामने लिखा हुआ है, जैसे ओनम, ओनम क्या है, तो ओनम केरल का एक प्रसिद्ध त्योहार है, तो ओनम के लिए केरल सामने लिख दिया गया। इस तरह से रथ यात्रा, पुरी जगन्नाथ, चैत्र पर्व, ट्राइबल फेस्टिवल, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, गुजरात। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सेक्शन का जो है ये पूरा का पूरा आंसर है, इसमें से 2, 3 और 8 का आंसर आपको बताया जा रहा है, ठीक है, और रेस्ट जो है 1 है या फिर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये सारा आंसर आपको असाइनमेंट में करवा दिया जा चुका है, इसलिए आप असाइनमेंट से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन असाइनमेंट डिस्कशन में आपको मिल जाएगा, इसी वीडियो को स्टार्टिंग में देखिए, वहां पे आपको ये सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग का, व्हिच रीजन ऑफ इंडिया इज रेफर्ड टू एज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी कि भारत के किस किस क्षेत्रों को वेस्टर्न कोस्टल प्लेन रीजन में शामिल किया गया है। तो मिड पार्ट ऑफ द वेस्टर्न हार्ट एंड अरबियन सी इज रेफर्ड टू एज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी कि जो मिड मध्य भाग है किसका, वेस्टर्न हार्ट का एंड अरबियन सी, ये दोनों का जो मध्य भाग होता है उसको हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में रेफर करते हैं।
क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, नेम द थ्री रीजंस ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेट। इसके बाद ईस्टर्न कोस्टल प्लेट के तीन रीजंस के नाम लिखने, तो एक बे ऑफ बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया एंड वेस्ट बंगाल हो गया। ये तीन मुख्य वेस्टर्न कोस्टल प्लेट का क्षेत्र, सॉरी ईस्टर्न का क्षेत्र है तीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, ये आपको असाइनमेंट में डाला जा चुका है। इस वीडियो को शुरू करके फिर से देखिए, मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर एट देखिए, व्हिच सिटी इज फ्रॉम द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडिया। तो देखिए, भुवनेश्वर इज नोन एज द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडिया। भुवनेश्वर जो है उड़ीसा के कैपिटल सिटी, उसको हम लोग गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम लोग का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का जो सेक्शन है, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको असाइनमेंट में करवाया जा चुका है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को आप असाइनमेंट से कंसल्ट करके लिख लेंगे, इसी वीडियो को शुरू करके आप देखिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो शॉर्ट नोट लिखना है, तो शॉर्ट नोट सेक्शन का जो क्वेश्चन है, ये शॉर्ट नोट को आप बुक से लिख लेंगे। जैसे आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो आप वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में जाकर के और इसको नोट कर लेंगे, ये आपका शॉर्ट नोट होगा। इसके लिए आप देख सकते हैं पेज नंबर 61, इसमें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, आप यहां से शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर टू, नेम टू रिवर्स दैट फ्लो इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इसका आंसर आपको असाइनमेंट में करवाया जा चुका है। अब आइए क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं हम लोग, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल इन गुजरात। गुजरात के लोगों का ऑक्यूपेशन लिखना है, ये आपको असाइनमेंट डिस्कशन के समय बता दिया गया है कि आप गुजरात सेक्शन से पूरा ऑक्यूपेशन को डिटेल्स में नोट कर ले। उसके बाद आइए, मेंशन एनी फोर मेजर टूरिस्ट स्पॉट ऑफ द पीपुल इन उड़ीसा। उड़ीसा में जो चार मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसको आप नोट कर सकते हैं। उड़ीसा के सेक्शन में जाए, यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस लिखा हुआ है पेज नंबर 61 में, जैसे पुरी है, कोणार्क है, भुवनेश्वर है, ये सारा यहाँ का टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो आप उसको वहां से लिखिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द ऑक्यूपेशन ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का जो ऑक्यूपेशन है उस पर एक शॉर्ट नोट तैयार करना है। ये शॉर्ट नोट आपको असाइनमेंट डिस्कशन के दौरान भी बताया गया कि उड़ीसा सेक्शन से आप जाकर के जहाँ पे उड़ीसा का डिटेल्स दिया गया वहां से आप नोट कर लें। उसके बाद आइए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल इन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। यानी कि अंडमान निकोबार आइसलैंड का जो पीपुल है, जो लोग वहां निवास करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उस पर एक ब्रीफ नोट तैयार करना। तो इसमें अंडमान निकोबार सेक्शन में आप जाएंगे, देखिए अंडमान निकोबार का सेक्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, हम पेज नंबर आपको बता दे रहे हैं, वहां से आप नोट कर लेंगे। पेज नंबर 64 और 65, 64 पे यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है, तो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड का पूरा आप स्टडी करेंगे और यहाँ से ऑक्यूपेशन को एक ब्रीफ नोट के रूप में तैयार करेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, वेयर इज लक्षद्वीप लोकेटेड, व्हाट इज इट फेमस फॉर। यानी कि लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है और यह किस लिए प्रसिद्ध है। तो यह क्वेश्चन का आंसर जो आपको असाइनमेंट में भी था, तो आप असाइनमेंट से इसका आंसर कंप्लीट कर लेंगे। बच्चों इस तरह से बुक का एक्सरसाइज और असाइनमेंट डिस्कशन हम लोग का कंप्लीट हो गया। आप इसे अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे और एग्जाम के लिए अच्छे तैयारी करेंगे। धन्यवाद।